एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस को सर्च के दौरान खोपड़ी का निचला हिस्सा मिला है। इसी के साथ तीन अन्य हड्डियां और भी मिली हैं। खोपड़ी का निचला हिस्सा जबड़ा मिला है। आरोपी आफताब के बताए ठिकाने पर ही दिल्ली पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और इसमें हड्डी के टुकड़े मिले हैं। खोपड़ी का टुकड़ा मिला है, जबड़े का हिस्सा बताया जा रहा है और पुलिस को उसी ठिकाने से खोपड़ी का निचला हिस्सा जबड़ा मिला है जो कि आफताब ने बताया था। पुलिस को शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि जो जबड़ा मिला है वो किसी इंसान का हो सकता है। जांच के लिए उसे भेजा गया है। पुलिस को तीन और हड्डियां भी मिली हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस को सर्चिंग के दौरान खोपड़ी का निचला हिस्सा मिला है। आइए हम आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस को अभी तक श्रद्धा मर्डर केस में क्या क्या अहम सबूत मिले हैं जिससे कि एस्टैब्लिश हो सकता है कि आफताब ने ही श्रद्धा की हत्या की। जबड़े का टुकड़ा मिला है, हड्डियां मिली हैं, श्रद्धा की तीन तस्वीरें, एक बैग मिला है और ये तमाम सबूत जो कि आफताब को कातिल साबित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दिल्ली से मुंबई तक लगातार जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है, पूछताछ का सिलसिला जारी है और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से नीरज हमारे साथ है, साथ ही साथ मुंबई से नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर बात की जाए आज की, तो आज लगभग चार घंटे से ज्यादा वक्त तक उसी घर पर ला करके रिक्रिएशन हुआ, आज हड्डी का टुकड़ा मिला, तो आज का दिन कहा जाए कि काफी अहम रहा है, कामयाब रहा है। नीलेश से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे दोबारा। नीलेश, अगर बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई में जांच का सिलसिला कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ हो रहा है खास? जी चंदन, आपको बताएं कि आज तीसरा दिन भी दिल्ली पुलिस के लिए खास रहा, क्योंकि आज तीसरे दिन लगातार जो श्रद्धा के करीबी रहे, आफताब के करीबी रहे, उनसे दिल्ली पुलिस द्वारा, उनकी टीम द्वारा पूछताछ की गई। अब तक बीते तीन दिनों में नौ लोगों की जो पूछताछ है, जो बयान है, दर्ज करवाए गए हैं। इनमें से अधिकतर वो लोग थे जो श्रद्धा के बेहद ज़्यादा करीबी थे, जिनसे श्रद्धा लगातार आफताब को लेकर शिकायतें दर्ज कराती थी। कई बार उनसे अपनी जो मारपीट की जो तकलीफें हैं उसको श्रद्धा ने इन सभी लोगों के साथ व्यक्त किया और इन्हीं सभी चर्चाओं को लेकर जो उनके करीबी थे वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। साथ ही जो श्रद्धा के साथ चैट हुई थी उसे पुलिस के साथ उन्होंने साझा किया। आपको बता दें कि इस पूरी बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया में एक अहम मोड़ तब आया जब अब्दुल्ला खान, जो कि उस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, पदाधिकारी हैं, जिसमें आफताब का परिवार रहता था और बीते 20 दिनों से वो फ्लैट छोड़कर वो गायब हो चुके हैं। जिस प्रकार सेक्रेटरी से बात करते समय हमें जानकारी मिली कि 20 दिनों पहले जो उनके माता पिता थे, जिस फ्लैट में वो सालों से रहा करते थे, उसे छोड़कर वो कहीं चले गए, कहाँ गए, इसको लेकर उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। फोन के माध्यम से संपर्क करना चाहा तो उनका जो फ़ोन नंबर है वो बंद आया। तो इन्हीं प्रकार की जो जानकारी है वो दिल्ली से आई जो टीम है, पुलिस की टीम, उन्हें ये पूरी जानकारी दी गई। हालांकि इस पूरे जांच प्रक्रिया में अब तक जो आफताब के परिवार या उनके दोस्त हैं वो अब तक पुलिस के सामने नहीं पहुंचे, उनका स्टेटमेंट अब तक दर्ज नहीं हो सका है। ये अब तक इस पूरे जांच प्रक्रिया में एक बैकड्रॉप हमें देखने मिल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत एक टीम बनाकर उनके माता पिता की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से आफताब। इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा की तस्वीरें भी जला दी, तीन फोटो को आग के हवाले किया। आफताब ने पूछताछ में बताई नफरत की ये दास्तां। 23 मई को पूरे घर के एक एक सामान की तलाशी ली, 18 मई को उसने श्रद्धा की हत्या की थी और 23 मई को पूरे घर को खंगाला, एक एक सामान जिस जो कि श्रद्धा से जुड़ा हुआ था उसको तलाशा और ढूंढ करके उसे नष्ट कर दिया। बेडरूम में लगी श्रद्धा की तीन बड़ी तस्वीरों को भी उसने जला दिया। पिछले नौ दिनों से दिल्ली के मेहरोली और आसपास के जंगलों की खाक छान रही पुलिस को गुरुग्राम के जंगल में आज कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर पुलिस की आंखें चमक उठी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़े सबूत हाथ लगे हैं। आज गुरुग्राम के जंगल में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च के दौरान पुलिस टीम को
खोपड़ी का निचला हिस्सा मिला। जबड़ा और तीन हड्डियां भी सर्च टीम के हाथ लगी है। आफताब के बताए ठिकाने पर ये सर्च अभियान चलाया गया है। श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने एक और खुलासा किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उसने क्या किया था। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने श्रद्धा को लेकर उसके दिल में बसी नफरत का खुलासा किया। मर्डर के बाद 23 मई को आफताब ने पूरा फ्लैट चेक किया। सफाई और तलाशी के दौरान आफताब ने घर में मौजूद श्रद्धा का एक एक सामान ढूंढ कर मिटाना शुरू कर दिया। बेडरूम में श्रद्धा की तीन बड़ी तस्वीरें थी। आफताब ने तीनों फोटो के फ्रेम को पहले तोड़ा और फिर तीनों फोटो को रसोई में माचिस से आग लगाकर जला दिया। आफताब श्रद्धा से जुड़े एक एक सबूत को मिटाना चाहता था, जिसके लिए उसने 23 मई को घर में मौजूद श्रद्धा के सामान को एक बैग में भरा। ये बैग पुलिस ने घर से बरामद भी कर लिया है, जिसमें श्रद्धा के कपड़े और जूते मिले हैं। आज सुबह दिल्ली पुलिस एक बार फिर आफताब को मेहरोली में उसके घर लेकर पहुंची। दिल्ली के मेहरोली इलाके के गली नंबर D1 में मौजूद हूं, जहां आरोपी आफताब ने श्रद्धा के कई टुकड़े किए थे और इसकी जांच लगातार चल रही थी। लेकिन आज सुबह फिर से एक बार बड़ी टीम दिल्ली पुलिस की यहां पर पहुंचती है और एक पूरा काफिला होता है। इस गली से वो टीम जो है एंटर करती है और ये जानकारी है कि उस गाड़ी में जो आरोपी आफताब है वो भी हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक कई गाड़ियां थी। आगे जो गाड़ी थी वो SHO की थी और पीछे जो गाड़ी थी वो ACP रैंक के अधिकारी की गाड़ी थी और उसके पीछे और गाड़ियां थी। और जैसे ही टीम यहां से एंटर की है, उसके बाद में यहां तमाम जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है वो यहां पर मौजूद है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई में मौजूद है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने आज यूनिक पार्क के सेक्रेटरी अब्दुल्ला का तकरीबन एक घंटे बयान दर्ज किया। ये वही जगह है जहां आफताब का परिवार रहता था। उन्होंने बताया कि आफताब का परिवार 20 दिन पहले ही अपना मकान खाली कर कहीं चला गया। यहां से जाने के बाद किसी से बात नहीं हुई, मतलब 20 दिन पहले? हाँ, 20 दिन यहां से जाने के समय बात हुई थी, इसके बाद बात नहीं हुई। क्या बोल रहे थे, क्या बताए? एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट वगैरह तो अभी रेंट पे दिए हैं, तो एग्रीमेंट वगैरह तो है हम लोग के पास। अच्छा, तो किसके थ्रू? नहीं, कुछ पता नहीं चला। माता पिता की कोई जानकारी दी थी इन्होंने रेंट एग्रीमेंट पे? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। माता पिता की जानकारी? नहीं, और जो पता था वो बता दिया, यही सब था। हम लोग पहले भी बोल चुके वो चीज। वहीं दिल्ली पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट करवाने के लिए FSL की टीम को रिक्वेस्ट भेजी है। दरअसल नार्को टेस्ट के दौरान FSL की टीम मौजूद रहती है और नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी FSL की टीम ही करती है। उम्मीद है कि कल आफताब का नार्को टेस्ट होगा और मर्डर के राज से पर्दा उठेगा। मुंबई से नीलेश शुक्ला के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। इस बड़ी खबर पर नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अगर बात की जाए आज पुलिस के लिए, तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से वो खोपड़ी का टुकड़ा बरामद किया गया है, अगर ये साबित होता है तो काफी आसान हो जाएगा, बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। बिल्कुल चंदन, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो हैं तमाम राज्यों में जांच कर रही है और उसी के बाद में जब आरोपी आफताब से पूछताछ जब की गई थी तो उसने बताया कि उसने कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो गुरुग्राम में फेंक दिए थे। फिर पुलिस ने 2 दिन वहां जाकर के सर्च किया, जहां से उसने बताया था वहां पर पुलिस को कुछ जो है स्कल मिला है, जो कि खोपड़ी का जो निचला हिस्सा है, जबड़ा, वो पुलिस को मिला है। और पुलिस ने उन तमाम हड्डियों को जो है जांच के लिए भेज दिया है और उससे लगातार अभी भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मंगलवार को दिल्ली पुलिस को फिर से इसको कोर्ट में पेश करना है और ये हो सकता है कि पुलिस फिर से पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, क्योंकि पुलिस को अभी भी जो अहम सबूत होने चाहिए वो पुलिस को नहीं मिले हैं। और इसी के साथ में इसका जो नार्को पुलिस को करवाना है तो उसकी जो एप्लीकेशन है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से FSL को चली गई है। लेकिन अभी जो डेट है वो डिसाइड नहीं हुई है कि आखिरकार में ये कब होगा, क्योंकि नार्को से पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो भी किया जाएगा। वो जो पूरे जो तमाम जो सवाल हैं वो पुलिस ने तैयार कर लिए हैं और वही सवाल जो है FSL को भेजे गए हैं। उसके बाद में जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हीं सवाल को पूछेंगे। करीब 50 से ज़्यादा जो सवाल हैं वो दिल्ली पुलिस ने तैयार किए हैं। जी,
जी बिल्कुल नीरज, अगर बात करें आज जिस तरह से उसके घर पर लेकर के आफताब को पहुंची थी पुलिस, यहां पर क्या कुछ खास हुआ? और बताया जा रहा है कि दो थैलियां भी लेकर के गई हैं, क्या हो सकता है उसमें? बिल्कुल चंदन, पुलिस यहाँ तो यहाँ पर सुबह करीब 10 बजे के आसपास पहुंची आरोपी आफताब को लेकर के, जो उसका घर है उसमें पहले उसको ले जाया गया, उस कमरे में ले जाया गया, उसके बाद में जो बाथरूम है वहाँ ले जाया गया, उससे पूरा समझा गया, जो किचन है वहाँ पर भी उसको ले जाया गया था, और फिर ले जाने के बाद में जो पूरा सीक्वेंस है, जो पूरा घटनाक्रम है उसका रिक्रिएशन किया गया कि आखिरकार उसने कैसे जो है जो कि श्रद्धा है उसको मारा उसने, और कैसे उसका गला दबाया और कहां पर उसके टुकड़े किए, उसको पूरा समझा। और इसी के साथ में उनके साथ में जो एक्सपर्ट थे एफएसएल के, वो भी उन्हीं के साथ में थे। और फिर उसके बाद में पुलिस ने उस कमरे से, उस दौरान वहां पर जो चादर थी, बेडशीट थी और जो पुराने कपड़े थे, हो सकता है कि उसने जो चाकू था या कोई बड़ा तेजदार हथियार था उसको उसको साफ किया हो। ऐसे तमाम जो कपड़े हैं, ऐसे जो चादरें हैं, वो पुलिस अपने साथ में लेकर के गई है, उसकी भी जांच करेगी, उसके बाद में फिर आगे सबूत के तौर पर वो मजबूत होंगे। जी बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जबकि पुलिस की टीम इसी गाड़ी में, इसी सफेद रंग की गाड़ी में आफताब को लेकर के वहां से निकली। लगभग 4 घंटे तक उस घर पर पहुंची जहां पर श्रद्धा का कत्ल किया गया था, छतरपुर में। ये गली जहां पर आप देख रहे हैं, इसी गली में आफताब और श्रद्धा रहते थे, इसी घर में उसका कत्ल किया गया था। वहां से जब पुलिस लेकर के निकली तो बड़ी संख्या में लोग, स्थानीय लोग वहां सामने नजर आए, सफेद रंग की इसी गाड़ी में, चारों तरफ से काले इस शीशे को ढका हुआ था। और अब से थोड़ी देर पहले पुलिस जब लेकर के उसे निकली तो इसी गाड़ी में पुलिस की टीम निकली थी। आज लगभग 10 बजे के करीब इसी गाड़ी में आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम उस घर पर पहुंची जहां आफताब ने श्रद्धा को बेरहमी से कत्ल किया था, टुकड़े टुकड़े किए थे, और घर में जाकर रिक्रिएशन किया, सबूतों को तलाशने की कोशिश की। और उसके बाद जब आफताब को लेकर के इसी गाड़ी में निकली तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर रखी गई थी, बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई थी, और वहां से लेकर के पुलिस निकली है आफताब को। बिल्कुल, जो कि आप देख रहे हैं ये जो कि सफेद रंग की कार है, इसी कार में आरोपी आफताब बैठा हुआ है, जो कि ठीक साथ में ही ग्रीन कलर का मकान है, इसी मकान में जो कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया है। और आप देख रहे हैं कि 1 सेकंड का ये विजुअल है जिसमें आरोपी आफताब घर से निकलता है और निकलने के बाद में कार में बैठता है। ये इसी 1 सेकंड के विजुअल में आप देख सकते हैं, उसने जो है हुड पहना हुआ है, उसके बाद में उस कार में बैठा करके उसको पुलिस आगे की तरफ लेकर के गई है, यानी साफ तौर से या फिर पुलिस स्टेशन या फिर किसी और थाने में उसको रखा गया है। तो उसी के साथ में लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उसके साथ में हैं, लगातार इससे पूछताछ की जा रही है और उन तमाम सवालों को पूछा जा रहा है कि आखिरकार में जिसमें इसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, तमाम जो एविडेंस है उसको मिटाने की कोशिश की थी, वो कैसे की थी और किस तरीके से किया गया, तो पूरा जो सीक्वेंस है उसको लगातार जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास पुलिस इसको यहाँ पर लेकर पहुंची थी और इसके पास में इसने बताया कि किस तरीके से इसने जो तमाम चादरें थी, तमाम जो सामान था वो पुलिस ने यहाँ से लिया है। पुलिस ने एक बैग भी लिया है जिसमें श्रद्धा के कुछ कपड़े मिले हैं, उसके जूते मिले हैं, वो पुलिस भी अपने साथ लेकर के गई है। ठीक है, हमारे साथ नीलेश भी मुंबई से बने हुए हैं। नीलेश, अगर बात की जाए आफताब के परिवार की, तो पुलिस अब आफताब के परिवार से कॉन्टेक्ट करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, क्योंकि उनसे पूछताछ भी बेहद जरूरी है। जी चंदन, आफताब का परिवार जो कि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी पहुंच से बाहर है, उससे संपर्क साधना चाहे मुंबई पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, उनके लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको लेकर श्रद्धा के पिता का भी एक गंभीर आरोप देखने मिल रहा था। बीते दिनों उनके पिता द्वारा भी एलिगेशन लगाया गया था कि जब हम श्रद्धा और आफताब का रिश्ता लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने हमें बेइज्जत कर बाहर कर दिया था और हमसे हमारे साथ भी मारपीट की थी। ऐसे में पुलिस के लिए आफताब के रवैये को समझना, उनके दोस्तों से संपर्क साधना और उनके परिवार से संपर्क साधना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आखिर ऐसा क्या कारण था कि जब आफताब और श्रद्धा एक लंबे समय तक लिव इन में थे, तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से बिल्कुल सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है जिनके जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। नीलेश, आप हमारे साथ बने रहे। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट अब से ठीक 24 घंटे बाद हो सकता है। नार्को टेस्ट की मदद से दिल्ली पुलिस उन तमाम सवालों को आफताब से पूछेगी जिससे यह खुलासा हो सके कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को क्यों मारा।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीमें देश के 5 राज्यों में पड़ताल में जुटी हैं। चौबीस घंटे बाद आफताब का नार्को टेस्ट। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके 35 टुकड़े करने वाले दरिंदे का पूरा सच 24 घंटे बाद सामने आने लगेगा, क्योंकि 24 घंटे बाद आफताब का नार्को टेस्ट होने वाला है। सोमवार को दिल्ली पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट करा सकती है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। इस दौरान दिल्ली पुलिस आफताब से कुल 50 सवाल करने की तैयारी में है। उन 50 सवालों में वो 12 अहम सवाल हम आपको बता रहे हैं, जिनके जरिए श्रद्धा मर्डर केस की असली वजह सामने आ सकती है और आफताब के गुनाह के हर वो सबूत मिल सकते हैं जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस शहर शहर भटक रही है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं जो नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, श्रद्धा से तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ हुई? सवाल नंबर 2, क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर भी आना जाना था? सवाल नंबर 3, तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे? सवाल नंबर 4, तुम दोनों कब से एक साथ रह रहे थे? सवाल नंबर 5, क्या श्रद्धा के घर वाले तुम दोनों के रिश्ते से खुश थे? सवाल नंबर 6, मुंबई से निकलकर सबसे पहले कहाँ गए? सवाल नंबर 7, क्या तुमने मुंबई में नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी? सवाल नंबर 8, दिल्ली कब पहुँचे और दिल्ली में कहाँ कहाँ रहे? सवाल नंबर 9, 18 मई को क्या हुआ था? सवाल नंबर 10, श्रद्धा की हत्या कैसे की? सवाल नंबर 11, श्रद्धा के कत्ल के बाद क्या तुम घर पर दूसरी लड़कियों को भी लाते थे? सवाल नंबर 12, क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग कुछ दिन पहले ही कर ली थी या अचानक गुस्से में उसकी जान ले ली? इन्हीं सवालों के जवाब में श्रद्धा मर्डर केस के पहले और बाद की तमाम कड़ियां जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस में जांच का दायरा 5 राज्यों तक पहुंच गया है। गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल के कुल्लू पहुंची। कुल्लू की पार्वती घाटी में पुलिस ने छानबीन की और कुछ सबूत जुटाए हैं। दरअसल इसी साल अप्रैल महीने में आफताब और श्रद्धा कुल्लू के तोश गांव घूमने गए थे, जहां पर दोनों ने ट्रैकिंग भी की थी। वहीं मुंबई में भी श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की दूसरी टीम पहुंची। मुंबई के वसई मानिकपुर पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस की टीम ने श्रद्धा के करीबियों के बयान दर्ज किए। श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस जिन 5 राज्यों में छानबीन कर रही है उनमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल हैं। इन्हीं 5 राज्यों के अलग अलग शहरों में दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पड़ताल कर रही है। दिल्ली से रजनीश शर्मा और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की तलाश कर रही है पुलिस और इस सिलसिले में आज आफताब को लेकर के उसके घर पहुंची जहां श्रद्धा की बेरहमी से उसने हत्या की थी और उससे जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें क्या आप श्रद्धा वॉल्कर को जानते हैं, आप दोनों की मुलाकात कहां कब हुई थी, आप दोनों कब से एक साथ रह रहे थे, क्या आपने नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की, श्रद्धा की हत्या कब और कहां की, क्या तुमने उस दिन नशा किया हुआ था, क्या कत्ल में तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल था। लाश को ठिकाने लगाने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया, लाश के टुकड़े तुम कितने दिन तक जंगल में फेंकते रहे,